पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल के पदाधिकारी ने सोमवार को महामहिम राजपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था, महंगी शिक्षा, आरक्षण पर वार, निजीकरण में भ्रष्टाचार, रोजगार के अवसर नामुहैया तथा दलित छात्रों के निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति के संदर्भ में विरोध व्यक्त किया। युवा फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता अनायोजित लॉकडाउन के कई लाख प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश अपने घर वापस आए। सरकार ने दावा किया था कि उनकी मैपिंग कर उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे, परंतु ऐसा करने में सरकार असफल रही, जिसके कारण पूरे प्रदेश में अराजकता, निराशा और असुरक्षा की भावना पनप रही है। लोगों के व्यापार, उद्योग धंधे और कृषि कार्य बंद हैं, जिसके कारण मंदी का माहौल है और लोगों के पास नकदी नहीं है। दूसरी ओर सरकार निजीकरण कर रही है, जिसके फलस्वरूप लोगों को महंगी बिजली मिल रही है, शिक्षा महंगी हो रही है, जिसके कारण छात्रों और अभिभावकों में अवसाद आ रहा है। लोग तंग हैं, हाथ में रोजगार नहीं है, रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हाँ, बस पीछे हो रहा, बोलिए मत।